क्या 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 स्पीड से चला था उसको? 50-60 की स्पीड पे बस बस नॉर्मली चला था। हाँ हाँ नॉर्मल, रेसिंग के लिए थोड़ी है ये। वक्त हो चला है। अगर आपने पुराना व्लॉग देखा होगा तो उसमें हम अहमदाबाद पहुंच चुके थे मुंबई से। तो अभी डे 2 में अहमदाबाद से दिल्ली करना है जो कि 950 किलोमीटर है एक दिन में, विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सीन ल्यूक और क्लीनिंग चल रही है। यह आदित्य है, हाय आदि। तो अभी हो गया आपका सीन ल्यूक। वो मतलब कैमरा से एकदम शाय कैसे करते हो सर आप पब्लिक में? वेरी नॉटी। All set to leave for Delhi. Total मैंने कई बार बता दिया होगा but फिर से बता देता हूँ कि total distance which we are supposed to clock today on our bikes is going to be close to 1000 kilometers. मतलब कोई एक रूट से 937 है, दूसरे रूट से 987 है, so on and off वैसा तो होने ही वाला है ही। मज़ा आएगा। We have decided that we're gonna take Mount Abu Road for our destinations, and now वक्त हो चला है। हेलमेट इतना टाइट है ना कि मैं अपनी जुबान और मुंह तक नहीं ला सकता है ना। तो वक्त हो चला चला की ओर। सो वक्त हो चला है 8:30। इसका मतलब हम लोगों को पेट पूजा करनी चाहिए। पेट पूजा करने के लिए हमें ढूंढनी है जगह जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन किस्म के व्यंजन मिले पिलने को। वेदर इज यस वेरी गुड, वेरी प्लेजेंट फॉर मी। इट्स वेरी गुड प्लेजेंट। वी हैव क्रॉस सम 60 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद इज दैट साइड एंड दिस इज माउंट आबू की तरफ जाने वाला रास्ता। एंड वी हैव स्टॉप्ड हियर एट शंकूज वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट। We are not going inside. This is just fun and food court, and Subway is also here. So let's see क्या खाते हैं हम। ये एक आदित्य है, ये दूसरा आदित्य है। बोलिए। जरूरी बात है। हाँ करो ना। पब्लिक के साथ। नहीं आप पब्लिक फिगर हो, आपकी कुछ जरूरी बात लोगों से छुपाई नहीं जाती। बोलिए बोलिए। देखिए आप कैमरा को नहीं हटा सकते। How dare you? आजकल जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रहे भाई। आजकल जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रहे जैसा भूल पर। जनता जवाब जानना चाहती है। इंडिया वांट्स टू नो राइट? एक्जेक्टली। हैविंग दीज गुजराती पराठास, गुजराती ये क्या है दही, गुजराती चम्मच के साथ गुजराती आचार। ब्लॉग बनाता है 2 मिनट बग रहती है 20 मिनट। शू प्रॉब्लम छे? हाँ शू चाहिए छे? लेकिन सच बोलता हूँ इसके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ ना तो ऐसा अंदर किसी का डाउन भी रहेगा तो भी वो एंजॉय करेगा। देख रहे हो अभी अभी एक तो उतारी उसके बाद फिर तारीफ भी कर रहा है। पता है ना तुझे टाइगर है। क्यूट से 5-6 बच्चे हैं गाड़ी में। हाँ these kids seriously। हाँ हाँ कल 1024 का पेट्रोल भराया था, अभी और टैंक अप किया है फुल गया है तो गाड़ी फुल भारी हो चुकी है, एक तो फुली लोडेड है प्लस फुल टैंक है। मज़ा, हल्का सा भी ऐसे करो तो एकदम वॉगल हो रही है। कोई ना, आई एम एंजॉइंग, आई एम लविंग इट। अभी आबू रोड थोड़ी देर में अपने को लगने वाला है यहाँ से, तो फिर मज़े आ जाएंगे, नशे हो जाएंगे भगाने में, है ना। डिसाइड करना है कि पालनपुर से जाना है कि सिद्धपुर से, क्योंकि ये भी रास्तों का भी बहुत मचमच है यार यहाँ पे। तो गुजरात राजस्थान में अगर आप राइड कर रहे हो स्पेशली बाइक पे, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे गौ माता कहीं पे भी आपको मिल सकती है रोड पे, बीचों बीच चलते हुए टहलते हुए। बड़ा मीन टू से दैट बी ऑलवेज कॉशियस, ओपन योर आईज एंड ब्रेन ऑल द टाइम, बिकॉज सी पीपल लाइक दीज दे आर लाइक, आई मीन ये वाले साइड पे कोई चला ही नहीं रहा है यार, सब इधर ही पे रॉन्ग साइड पे चला रहे हैं। एंड दैट इज एवरीवेयर इन अहमदाबाद राइट नाउ, इन राजस्थान, केसरिया बालम हमारे रे। अजमेर 388, उदयपुर 194। नाइस। अभी जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, तो अभी अपने को बेड़ू भी आ गए देखने को। वो देखो भाई साहब, भाई साहब कितना क्यूट है। वी जस्ट हैड सम टी, 4-5 liters ऑफ वाटर, और गर्मी बहुत ज़्यादा है मैन। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वॉज, जब मॉर्निंग में वी लेफ्ट आवर होटल इन अहमदाबाद, फ्रॉम अहमदाबाद, इट वॉज सम 21 odd degrees एंड दैट वॉज वेरी प्लेजेंट। आई वॉज मैंशनिंग ऑल्सो राइट नाउ, आई कैंट इवन टेल यू हाउ हॉट इट इज़ इन राजस्थान। ये वाला रास्ता है उदयपुर वाला, दूसरा उस तरफ से जाता है, हमने वहाँ से लेफ़्ट लिया है और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली जयपुर रोड, जयपुर पाली और पिंडवारा उस तरफ है। पाली, पाली वाला रूट अपने को पकड़ना है, पाली पहले आएगा, हमें जयपुर भी नहीं लेना है। पाली वाला रूट दिल्ली को लगता है, पाली पहले आएगा, फिर अजमेर आएगा, फिर जयपुर आएगा, फिर उसके बाद दिल्ली आएगा। व्हाट द, मैं अभी आप लोगों को बता ही रहा था ना कुछ देर पहले कि गौ माता से बच के रहिए, जानवर है यार, उसे क्या पता। मैं भी जस्ट राइड ही कर रहा था और एग्जैक्टली मेरे सामने लॉल। वी हैव रीच्ड पाली, 45 किलोमीटर्स अहेड ऑफ पाली राइट नाउ, एंड दिल्ली अभी दूर नहीं है, मोर 600 kilometers एंड विच वी आर प्रॉब्ली लुकिंग टू रीच दिल्ली बाय मॉर्निंग 3-3:30। एक और क्लोज एनकाउंटर भाई साहब, और पीछे से वैन ठोकने वाली थी मेरे को। डैम। द अपडेट इज जयपुर इज ओनली 110 odd kilometers far from this toll. I don't know which toll it is, frankly, but कोई तो टोल है, नाम नहीं लिखा था यार। और यहाँ पे जुगाड़ देखो, मैंने अपना सेना इसके साथ कनेक्ट करा हुआ है और साथ साथ में दोनों काम चल रहे हैं। थोड़ा रिस्की है बट दिस कैन बी मैनेज आई थिंक। ऑलराइट, लेट्स लॉक एंड लोड। अजमेर अभी क्रॉस कर लिया है, वो पीछे मेरे टोल देख सकते हो, और यहाँ पे आग सेक रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है। एंड ही इज़ ऑलरेडी डन विद द डे आई थिंक, एंड ही इज़ प्लानिंग टू स्टे बैक इन जयपुर। तो मतलब रुकने वाले हैं कि चलने वाले हैं, उसी का डिस्कशन चालू है। दो चीज़ों का प्रॉब्लम है। एक तो भाई को आगे छोड़ना नहीं है, मतलब मैं तो टाइगर मुझे मतलब मेरी ऐसी चाहत है कि ये मेरे साथ और दिन राइड करे, लेकिन दो ही चीज़ है, माँ का प्यार वो जब बीच में आता है तो माँ होती है, तो उसके लिए कुछ बोल नहीं सकते। थोड़ा लौंडा इमोशनल हो रहा है, बताओ। देखो भावनाओं को समझो। चलो विल कीप यू ऑल पोस्टेड कि क्या हो रहा है। ये भाई साहब भी हैं पिक्चर में, जो भी फिलहाल चाय मार रहे हैं। व्हाट वी हैव डिसाइडेड दैट दीज टू गाइज आर गोइंग टू स्टे बैक इन जयपुर विच इज़ 100 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हियर एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जयपुर। वहाँ पे हम फाइनल सी ऑफ करेंगे एक दूसरे को एंड आई विल कंटिन्यू माई जर्नी टुवर्ड्स जम्मू कश्मीर। दे विल बी हेडिंग दिल्ली टुमारो, probably tomorrow early morning. So time right now is 1:11. क्या स्पीड से चलाता हूं इसको? 50-60 की स्पीड पे बस नॉर्मली चला रहा है। हाँ नॉर्मल, रेसिंग के लिए थोड़ी है ये। हाँ। और इतने सामान में थोड़ी चलेगी। So these people are too curious to know about our bikes.